आउज़बिल्मिन शैतान बस्मा रहीमदिल्ल रबाललमिनरमीम मालिक यउद्दीन इयाक नाबिदूआयाक नस्ाईन इद्दिन सरातलम़कीम सरातलनामतालिम गैरमकतूब आलिम वद्दा आमीन सनायरब्बानी के बाद अल्लाम मैं मुख्त मौजुआत पर मुसलसल वीडियोस कर रहा हूँ लेकिन मतमन नहीं था और मेरा दिल चाहता था कि ज़्यादा मौजूद जो मेरे हैं वो अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु सल वसल्लम से मुतल हों तो रबी अवल का मुक़दस महीना चल रहा है तो सोचा इस में बारह रबी अवल तक जो है कुछ वीडियोज़ ऐसी बनाई जाएँ जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक का ज़िक्र करें और उस सीरत पाक से हम सीखने की कोशिश करें और देखें कि हमें कहाँ कहाँ बुराइयाँ दर आई हैं और हम किस तरीके से सीरत पाक के ज़रिए अपनी असलाह कर सकते हैं अपनी असलाह का बेहतरीन तरीक़ा यही होता है कि हम नबी सल्ह वसलम की उस वाक़ को पढ़ते रहें और उसे देखते रहें और उसके ऊपर चलने की कोशिश करते रहें तो मैं चंद बातें जो हैं जो सीरत पाक के हवाले से कुरान मजीद की आयतों में से आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा कुरान वैसे तो सारा का सारा ही जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है उसमें से कुछ आयत का जो है तब्रुकन मैं यहाँ पर जिक्र करने लगा हूँ और ये भी आप जानते हैं कि हम पर अल्लाह का सबसे बड़ा जो एहसान है वो ये है कि उसने हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों में शामिल किया इसका जिक्र वो कुरान मजीद में करता है कहाँ करता है आले इमरान की आयत नंबर एक सौ चौंसठ में देखिए अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं अल्लाह ने मोमिनों पर बड़ा एहसान किया कि उनमें उनमें उन उन्हीं में से एक पैगंबर भेजे जो उनको अल्लाह की आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाते और उनको पाक करते हैं जमें तस्किया करते हैं और किताब और दानाई सिखाते हैं और पहले तो ये लोग सर ही गुमराही में थे यानी अल्लाह ने अपना एहसान बहुत वाजह करके जो है हम पर हमें बयान कर दिया कि ये तुम पर एहसान है कि मैंने तुम्हें इस नबी की उम्मत में पैदा किया और दूसरा ये कि तुम गुमराह थे और तुम्हें मैंने इस रसूल के ज़रिए जो है अपनी इसराह का मौका दिया है वो उस रसूल के ज़रिए जो अल्लाह का महबूब है और जो अल्लाह का आखिरी नबी है ख़ातमिन नबी वसल्लम सल्लाम इसी मज़मून को अल्लाह ताला आगे चलकर कुछ इस तरह बयान करते हैं सूरह तौबा की आयत नंबर एक सौ अट्ठाईस में और इस आयत को आप तवज्जो से सुनिएगा और देखिएगा कि नबी पाक सारे लिए ही हमारे किस कदर परेशान रहते थे हमारे आमाल की वजह से हमारी बख्शिश की वजह से उसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने तुरन मजीद में किया अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारे पास तुम ही में से एक पैगंबर आए हैं तुम्हारी तकलीफ़ उनको गिरा गुज़रती है तुम्हारी भलाई के बहुत ख्वाहिशमंद हैं और मोमिनों पर निहाय शफकत करने वाले और मेहरबान हैं ये तो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की व वाला सिफ़ात कि वो हमारी वजह से परेशान हैं लेकिन क्या हम भी अपनी आख़रत की वजह से कुछ परेशान है या नहीं है तो आपने अमाल देखकर मुझे तो नहीं लगता कि हम नबी की सीरत पर अमल पैरा कुरन मजीद में, में सूर्य अज़ाब की आयत नंबर 21 में अल्लाह इसी मजमून को कुछ यूँ बयान फरमाता है तुमको अल्लाह के पैगंबर की पैरवी करनी बेहतर है इस शख्स को जिसे अल्लाह से मिलने और रोजे क़्यामत की उम्मीद हो और वो अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करता हो यानी दो बातें इसमें अल्लाह ताला ने तबान कर दी कि एक तो अपना कसरत से ज़िक्र उसे बहुत पसंद है और दूसरा उसने हुक्म दिया कि अपने नबी की इतवा करनी है और हम ये दोनों काम ही नहीं कर रहे और इसी बात का अदा करने के लिए कि हमें शौक़ पैदा हो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सूरह अहज़ाब की आ, आयत नंबर पैंतालीस और छियालीस में अल्लाह ताला फरमाते हैं पैगंबर हमने तुमको गवाही देने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है या युनबी यू इन्ना अरसा का शाहिद हूँ व नज़ीरा तो हमने इससे भी कुछ सीखा ना हमने उनकी बशारत पर कभी तोज्जो दी ना हमने उनके अंजार पर कभी तोज्जो दी नहीं डरते हम और अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या बयान की है इसी सूरा की आयत नंबर छियालीस में और, और आप व्लम की ज़ात के हवाले से कहता है कि और अल्लाह की तरफ़ बुलाने वाला और चराग रौशन यानी मुनीर करार दिया है नबी पाक सल्लल्लाहु सल् वसल्लम की ओदस को और शोरा नजम में ये बात बयान कर दी जो कि इनकार हदीस करने का फितना रखने वाले लोग हैं फितना परवर लोग हैं मैं ये ईमान रखता हूँ कि नबी पाक सल्हु वसलम की क से और ज़मान पाक से निकलने वाला हर लफ्ज़ जो है वो अल्लाह की तरफ से है जिस तरह अल्लाह कुरान नाजिल फ़रमाता था उसी तरीके से अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर सुन्नत हर फ़ेल हर कौल के बारे में उनको रहनुमाई फरमाता था आप अपनी ज़ुबान से कुछ नहीं अदा करते थे उसका जिक्र कुरान में अल्लाह ताला कैसे फरमा रहा है तो वो ये है कि और ना ख़्वाह नब से मुँह से बात निकालते हैं ये कुरान तो हुक्म अल्लाक्म अल्ला है जो आपकी तरफ़ भेजा जाता है यानी एक रिवायत में है कि हर नबी को एक दुआ दी आ, की इजाज़त होती है कि वो दुआ करे जो अल्लाह ताला ने हर सूरत कबुल करनी होती है जब ये मौका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ, को मिला तो आपने उस दुआ को संभाल कर रख लिया कि मैं इसे आख़रत में अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए इस्तेमाल करूँगा सुबहानल्ला हैं हमारे रसूल जिनके हम उम्मती हैं और ये हैं हम उम्मती कि पता नहीं क्यामत के दिन हम उन्हें मुँह कैसे दिखाएँगे सीरत पाक की आज की इस वीडियो में मैं ये वो चीज़ें बयान कर रहा हूँ कुरान मजीद से जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान करती हैं ये वो आयात हैं तो उनका कौल उनका अमल वो भी कुरान की तरह हम पर हुज्जत है हज़रत अब्दुल्ला के घर पैदा होने वाले नबी पाक अलैहि वसल्लम की सीरत पाक का कुरान में एक बहुत बड़ा हिस्सा बयान हुआ है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हमारे नबी आख़िर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में जब पैदा हुए तो उस वक्त जो मक्का की सूरत हाल थी वो बहुत अबतर थी मक्का क्या पूरी दुनिया की सूरत हाल जो है वो बहुत बुरी थी यानी अखलाकी समाजी माशी हर लिहाज से दुनिया जो है वो जलालत का जो है निशाना बन चुकी थी उसमें घिरी हुई थी उसमें डूबी हुई थी क्योंकि नबोत हज़रत को दुनिया से गए हुए तकरीबन पाँच सवा पाँच सौ साल हो चुके थे और इस दौरान में इतनी जलालतें और इतनी गुमराहियाँ माशरे के अंदर फैल गई थी कि फिर अल्लाह ते फ़ैसला किया कि अब वो वक्त है कि जब अपने आखिरी नबी को मबूस कर दिया जाए तो जिस माशरे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहसत हुई पैदाइश हुई वो माशरा भी हर तरह की बुराइयों में घिरा हुआ था उस माशरे के हवाले से अगली वीडियो में मैं कुछ गुफगू करूँगा लेकिन आप देखेंगे कि माशरा सुधारने के लिए नबी पाक सलील वाले, 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 वाले वसलम ने क्या इकदाम किए जो असल में मेरा मौजू है हम आज शिकवा करते हैं शिकायत करते हैं और ये कहते हैं कि जो है आ, हमारे माशरे में अम नहीं है चैन नहीं है आ, हम परेशान हैं रात को सही तरह नींद नहीं आती नींद की गोलियां खाए बग़ैर सुकून नहीं मिलता तो उसकी वजह हमारे अंदर की कजी है और हमारे माशरती मसाइल की वजह इस ना करना और अपनी ग़लतियों पर तवज्जो ना करना है हमें असलाह की ज़रूरत है और असलाह भी वो जो अल्लाह अल्ला के रसूल ने बयान की है तो आपने माशरा कैसे तश्कील दिया आपने माशरे की तथीर कैसे की आपने तस्क्या नफ्स कैसे करवाया आ, साहबा कराम से अगर हम आज वो तरीक़ा इख्तियार करेंगे तो फिर माशरती बुराइयाँ ख़त्म होंगी फिर हमारा तस्क्या नफ़्स होगा और तब हम इस माशरे को बेहतर माशरा बना सकेंगे उसके लिए हमें अपने जहन खोलने होंगे अपने दिल खोलने होंगे अपने अंदर के तसुबात जो हैं उन्हें एक तरफ़ रख कर कुरान मजीद का मुता करना होगा सरत पाक का मुताल करना होगा और हमें उन टैबूज से बाहर निकलना होगा कि जो हमारे जहनों में बिठा दिए गए हैं हम अपनी नाक से आगे न सोचना चाहते हैं ना देखना चाहते हैं ना सुनना चाहते हैं ये रवैया ख़त्म करने के लिए ये सरत पाक सल्ह वसलम मैं आपके सामने रबीअल के महीने में इनशाला बयान करता रहूँगा अब तक के लिए इजाज़त दीजिए वमा अलैना मुबीन